वीर सैनिकों, आप सब जानते हैं कि लक्ष्मीबाई अपनी तलवार अपनों पर कदापि नहीं उठाना चाहती थी, परंतु लड़ाई सरकार ने हमें विवश कर दिया और सब वीर सैनिकों आज युद्ध स्थल में खून की नदियां बहा दो। तुम्हारे सामने जो दुश्मन आए उसे कुचल डालो। अगर मरे तो शहीद कहलाओगे और अगर जिंदा लौटे तो ओझा तुम्हारा शौर्य गान गाएगा। और अब ये युद्ध निश्चित है, इसलिए जहां तक हो सके रक्तपात से बचते हुए हमें केवल लड़ाई सरकार को अपना बंदी बनाना है। आज हम मिलकर अपनी झांसी वापस लेकर ही रहेंगे, परंतु जब तक हम आदेश ना दें तब तक कोई युद्ध आरंभ नहीं करेगा। और अगर किसी ने हमारे आदेश का उल्लंघन किया तो उसका सर हम धड़ से स्वयं अलग कर देंगे। विजय हमारी ही होगी। यह लक्ष्मीबाई और ये जो इसके दाएं बाएं हैं उसके 10 योद्धा और माँ दुर्गा के 10 हाथों की तरह अपने 10 योद्धाओं के साथ बीच में रहकर लड़ेगी। पीछे हटाओ। भाई साहब, ये ओरछा की सेना आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? सब वहीं खड़े रहो, जब तक हम ना कहें कोई आगे नहीं बढ़ेगा। अभी उन्हें और आगे बढ़ने दो। हमारी सेना उन 10 योद्धाओं का तब तक प्रतिरोध नहीं करेगी जब तक लक्ष्मीबाई हमारे बिल्कुल निकट नहीं पहुंच जाती। ये 10 योद्धा हम पर वार करेंगे और वो घेरे में रहकर हमारी ओर बढ़ेगी। फिर हम उनके हमले का जवाब कैसे देंगे? हम उसे आने देंगे। राई लक्ष्मीबाई, कत्थरखान के होते हुए तुम हमारे बंदी को छुप ही नहीं सकती। आज हमें लड़ाई सरकार तक पहुंचने से इस संसार की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। हमारी सेना उनकी योजना के अनुसार उन 10 योद्धाओं का बिल्कुल प्रतिरोध नहीं करेगी और अपने बनाए हुए चक्रव्यूह में घेर लेंगे। हे देवा, ये तो हमारी रणनीति को समझकर हमसे युद्ध कर रहे हैं, किंतु हमने अपनी रणनीति को
हमारे साथी तो विश्वसनीय है, वो ऐसा विश्वासघात नहीं कर सकते। फिर लड़ाई सरकार को ये रणनीति कैसे पता चली? लड़ाई सरकार को रेखा चित्र से रणनीति पता चल गई। हे देवा, भाई साहब, इन्हें हमारी रणनीति का पता चल गया। भाई साहब, भाई साहब वापस आइए। रणनीति में अपने आप को परिपूर्ण समझती है तू। तुमको कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। तुझे क्या लगता है, मूर्ख है हम? तू कोई भी रणनीति बनाएगी और हमें पता नहीं चलेगा? शत्रु शत्रु होता है, परंतु तू अपने स्वाभिमान में यही सोचती रही कि शत्रु अंधा और बुद्धिहीन होता है। हमें तुझ पर तरस आता है लड़ाई सरकार, हमने तुझे कभी भी मूर्ख या बुद्धिहीन नहीं समझा। काश काश कि तू हमें समझ पाती। लक्ष्मी बाई ने तुम्हारी तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाया और तुमने क्या किया? विश्वासघात। देखो लड़ाई सरकार, देखो अपने चारों तरफ, देखो युद्ध का परिणाम क्या होता है। युद्ध का परिणाम केवल विनाश होता है, विनाश। तन का विनाश, मन का विनाश, धन का विनाश केवल तुम्हारे अहंकार के कारण हुआ। सच तो यह है कि हम तुम्हें आंख ही नहीं पाए। वाकई तुम हमारी कल्पना से भी अधिक कायर और विश्वासघातनी निकली। क्या मिला तुम्हें इस छल कपट से? क्या मिला? निर्दोष लोगों की हत्या? तुम बहुत बड़ी कायर हो लड़ाई सरकार, बहुत बड़ी कायर। बात सुन ली तेरी बकवास, जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम तुझे। आचार्य जी, भाई साहब को ओरछा के सैनिकों ने घेर लिया है। हम इस प्रकार उठ तक नहीं पहुंच सकते, हमें कुछ करना होगा। आचार्य जी, मैंने सोच लिया है,
रघुनाथ जी, बॉस खान, सुंदर नरसिंह जी, आप सब लोग वापस आ जाओ जल्दी। साथिया जी, महारानी साहब की जान खतरे में है और आपने हमें लौटने का आदेश दे दिया। योद्धाओं, हम लोग केवल ओरछा के सैनिकों से लड़ रहे हैं, किंतु हमारा लक्ष्य ये नहीं था। हमारा लक्ष्य था लड़ाई सरकार को पकड़ना, किंतु उसे हमारी रणनीति का पता चल गया है और उसने हमारी भाई साहब को घेर लिया है। हम लोग चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे। दादा जी, कुछ करना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। रघुनाथ जी, हम उस लड़ाई सरकार तक पहुंच कर रहेंगे, किंतु हमें अपनी रणनीति बदलनी होगी, उन सब का ध्यान बटाना होगा। सुनिए आप लोग, सुनिए आप लोग, हमने तुझे एक बार फिर क्षमा किया। तू एक हिंदुस्तानी है, अपनी है, और लक्ष्मी बाई अपनों पर अपनी तलवार नहीं उठाती। परंतु हम तुझे अपना नहीं समझते। देखना चाहते हैं आप? बाहर डालो दत्ते खान, बाहर डालो उसे।